नमस्कार दोस्तों, सूर्य भाई आपके सामने हैं। बहुत लंबा समय हो गया वीडियो ना बनाते हुए, और बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे कि सूर्य भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्या बंद कर दिया। तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि दोस्तों अभी मैं खुद को जान रहा हूँ, और ये खुद को जानने का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। इस सफ़र में सबसे पहले मैंने जो महसूस किया कि क्या जानना चाहिए अगर खुद को जानने की शुरुआत करें तो वहीं से शुरुआत होगी जहां से हमने बोलना सीखा था दोस्तों, यानी कि व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें ये बाहरी दुनिया को छोड़ के अंदर की दुनिया को जानना है, परमात्मा को जानना है, इस दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है उसको जानना है, तो हमें अपनी व्याकरण सही करनी होगी दोस्तों। और व्याकरण कहाँ से शुरू होती है और सही होती है, यहाँ से। ए से अर्जुन, बी से भीम, सी से चाणक्य, डी से दामोदर, ई से एकलव्य, एफ से फोर वेदास, जी से गंगा, एस से हनुमान, आई से इंद्र, जे से जल, के से कृष्ण, एल से लवकुश, एम से महादेव, एन से नारायण, ओ से ओम, पी से प्रहलाद, क्यू से क्युनकुंती, आर से राम, एस से सीता, टी से तुलसी, यू से उद्धव, वी से विधाता, डब्ल्यू से वाटर गंगा, एक्स से जाइलोफोन, वाई से यशोदा मैया, जेड से जीरो, क्योंकि अंत में सब जीरो हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो यही शुरुआत और यही व्याकरण हमें अपनानी होगी अगर हमें अंदर का या खुद को जानने का सफर शुरू करना है तो। जी हाँ दोस्तों, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सफलता या खुद की मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता जो है वो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाना है दोस्तों। और मोक्ष मिलता है परमात्मा से, और परमात्मा मिलते हैं शुद्ध विचार से, और शुद्ध विचार आते हैं आपकी अंदर की व्याकरण से दोस्तों। तो इस व्याकरण में जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अपनाइए। बच्चों को ये वाली ABCD भी ज़रूर सिखाइए। इसमें जो भी कैरेक्टर है, अगर बच्चा किसी भी एक कैरेक्टर से इंस्पायर हो गया, या बच्चे ने कोई भी एक कैरेक्टर पकड़ लिया, उसकी तरह बनना शुरू कर दिया, उसको जानना शुरू कर दिया, तो उसका जो सफलता का मार्ग है, एक अच्छे इंसान बनने का मार्ग है, सक्सेसफुल लाइफ का जो मार्ग है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली या सामान्य वर्णमाला नहीं है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए और खुद भी जानिए और बच्चों को भी समझाइए। और ये आप जब पूरी तरीके से अपने अंतर्मन में उतार लोगे, उसके बाद इस सफ़र में और आगे लेके जाऊंगा, मज़ा आएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए, अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ऐसे जो जीवन में आपको जैसी भी परेशानियाँ वहाँ से निकालेंगे, और जो भी आप करना चाह रहे हो वो सब पाने में आपकी मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए सूर्य भाई के साथ।